पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ एक सैंडविच की रेसिपी, और बहुत ही यमी और बहुत ही जल्दी बनने वाला सैंडविच। विद इन 5 to 10 मिनट में आपका ये सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। और साथ ही मैं इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ, ताकि कभी आपके घर पे इतनी ज्यादा सब्जियां नहीं है तो आप कैसे इतनी जल्दी से और एक यमी सैंडविच बना सकते हैं। आप इसको अपने बच्चे को स्कूल टिफिन में दे सकते हैं, या आप अपनी भी छोटी हल्की फुल्की जो भूख लगती है उसके लिए बना सकते हैं। और ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ सब्जी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक यमी सा और टेस्टी और क्रंची। डाल सकते हैं क्योंकि म्योनीज से बहुत ही यमी टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रीलाइट की म्योनीज यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड। तो आप इसमें 2 स्पून डाल दो, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत कम लोगों के लिए बना रहे हो, 2-3 सैंडविच बना रहे हो, तो आप कम क्वांटिटी में डालें। बट अगर मैं यहाँ पे 6 से 7 सैंडविच बनाने वाली हूँ तो मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं 2 से 3 स्पून डाल रही हूँ इसमें। देन आप उसके बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। बट आप इसमें सॉस, अगर आपके पास कोई शेजवान सॉस है और आपको चिली ज्यादा पसंद है, आई लव चिली, इसलिए मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज डाल दी है। और आप इसमें सॉस भी ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा यमी टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा चाइनीज टेस्ट आ जाता है सॉस से। तो यस, अब इसको आप मिलाने के बाद, इसको अच्छे से मिलाने के बाद, एक्चुअली गाइस मैंने इसमें टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखी है, बिकॉज टमाटर से क्या होता है, जब हमारा सैंडविच बन जाता है तो उसमें जूसी फ्लेवर होता है वो टमाटर की वजह से आता है, और बहुत ही यमी जो टेस्ट आएगा वो टमाटर की वजह से आएगा। और टोमेटो सॉस हमने कम डालना है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है टमाटर की। सो यस, इसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आप इसमें नमक, मिर्ची और कोई भी मसाला आप यूज करना चाहते हैं वो सब डाल सकते हैं। और मैं इसमें यूज करने वाली हूँ नमक। अब यहाँ पे आप ब्रेड को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और थोड़ा सा, आपने ज्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको सेकना है इसको दोनों साइड से। थोड़ा थोड़ा सेकने के बाद आपने इसमें, अगर आपके पास बटर है तो आप इसमें बटर का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे देसी घी का यूज कर रही हूँ, बिकॉज ये हेल्दी भी है और साथ ही आपको ऑयल भी नहीं खाना पड़ेगा और रिफाइंड ऑयल भी नहीं, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें स्मेल आएगी बिल्कुल भी, जैसे ये गर्म हो जाएगा ऑयल, इसकी जो खुशबू है घी की वो इसमें नहीं आएगी, आपको ये एकदम सैंडविच का ही टेस्ट देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घी खा रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ये गर्म हो जाता है आपको दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देना है इसमें, और बिल्कुल कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं लगाना है बस। और आपको फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेनी है, और इसके बाद आप इसमें अपना जो आपने तैयार किया है सैंडविच का सामान वो आप इसमें डाल लोगे, और अच्छे से, ताकि बाहर ना गिरे। और देखिए मैं गिरा दिया है, तो इस तरह आप उठा भी सकते हैं इसको। तो यस, ये अच्छे से इसको इसके चारों तरफ लगाने के बाद आप इसमें दूसरी ब्रेड इसके ऊपर लगा लीजिए और इसको पलट दीजिए, ओके। और ये अब अच्छे से सिक जाएगा। देन आप सेकंड वाले में भी ऐसा ही सेम करना है हमें। ये ऐसे लगा दिया इसमें अपना मसाला, और ये, और जो ये टोमेटो का जूसी है ना, जो ये टोमेटो से जूस निकल रहा है और साथ ही हमारे क्यूकम्बर से जूस निकल रहा है, ये इसको ना बहुत ही यमी फ्लेवर देगा। बाहर से आपको क्रंची मिलेगा और अंदर से बहुत ही जूसी। कट कर लीजिए, आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा क्रंची बना है ये, और अंदर
अंदर से इतनी ही जूसी है। सॉरी आपको आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, मैं तवा अच्छे से नहीं लगाया गैस को। और यस, और अब इसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लीजिए। आपको प्लेटिंग करते करते हुए दिखाऊंगी।